नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रंगीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। काशीपुर के राधे हरीशनाथ उत्तर राजकीय महाविद्यालय में छात्र के पास आपत्तिजनक पर्ची मिलने से मचा हड़कंप। ऋषिकेश में वीकेंड के लिए मुनि की रेती थाने में ट्रैफिक प्लान तैयार। नैनीताल की प्यास बुझाने को तैयार भूमिगत झील का पानी। लोहाघाट में अपात्र राशन कार्ड धारकों में सरकार व खाद्य विभाग का डर, अपात्र लोगों ने जमा किए बीपीएल राशन कार्ड। अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज सुनोली में चौकी पुलिस ताकुला द्वारा किया गया शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राधे हरीशनाथ उत्तर राजकीय महाविद्यालय काशीपुर में आज बीकॉम प्रथम वर्ष की परीक्षा में फ्लाइंग स्क्वाड को जांच के दौरान एक विद्यार्थी की जेब से एक आपत्तिजनक पर्ची प्राप्त हुई, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों के हस्ताक्षर भी पाए गए। पर्ची में सरकार के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी की गई है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ना, मैं बाहर मौजूद हूँ, मुझसे कहा गया अंदर लड़ने में, मैं आया अंदर तो इनका आपस में कुछ ऐसी। कौन कौन लड़ रहा था आपस में? लड़ क्या, बहसबाजी हो रही थी। किन किन टीचरों के बीच? हाँ, टीचरों के बीच हुई थी आपस। किस बात को लेकर हो रही थी? अब ये मैं इतना नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि इन लोगों में आपस में कुछ ना कुछ हो रहा था। फिर मेरे से कहा कि हमारा अंदरूनी मामला मुझे पता चला। कहाँ है सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन, आप लोगों को करीब लाए। खटिया में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत खटिया चौराहा से पीलीभीत रोड पर स्थित वन विभाग कार्यालय तक जल संस्थान द्वारा 800 मीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया। संवाददाता गुदीप सिंह की रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी खटीमा विभाग द्वारा रोड के चौड़ीकरण होने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें हमारे विभाग से भी यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए मांगा गया था। तो उसी के अंतर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य हमारा आज हमने शुरू किया है। ये खटीमा चौराहे से वन विभाग की चौकी तक 800 मीटर इसमें पाइपलाइन शिफ्ट होगा। किचा विधायक तिलक राज बेहर ने अवैध खनन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर जुबानी हमला बोला। विधायक का आरोप है कि प्रदेश सरकार एवं प्रशासन के अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ 26 मई को एसडीएम कार्यालय में एक दिवसीय उपवास रखते हुए धरना करने की बात कही। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ये खनन को लेकर हालात बहुत खराब है। जिला प्रशासन और किच्छा का स्थानीय प्रशासन इसमें मिला हुआ है। खनन का काम किच्छा क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा है और अवैध खनन का काम भी खूब चल रहा है। लोगों ने अवैध खनन के नाम पर जगह जगह पर खनन एकत्र कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है और उसकी कोई रॉयल्टी नहीं है। दूसरा, खनन का एक समय होता है जिनको पट्टे मिले हुए हैं, सुबह होने के बाद शाम को डलने से पहले मशीन से वो खनन कर सकते हैं। शांतिपुरी में तो 2 बजे के बाद बंद हो जाता है खनन, निकासी बंद हो जाती है। और यहाँ रात भर जो हमारे पास वीडियो आया है, रात भर 11:45 पर मशीनें चल रही थी। उसका सूचना एसडीएम को भेजी गई, खनन विभाग को भेजी गई, डीएम को वीडियो भेजी गई, चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई, कमिश्नर को भेजी गई है और उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं। चारधाम यात्रा के साथ वीकेंड के मौके पर ऋषिकेश मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पर्यटकों के वाहनों से लगने वाले जाम से निपटने हेतु पुलिस ने कमर कस ली है। तीनों थाना क्षेत्र की पुलिस ने आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए ट्रैफिक प्लान बना लिया है और ट्रैफिक प्लान लागू होने के बाद क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या दिखाई नहीं देगी। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। आज टिहरी लक्ष्मण झूला के कोतवाल और देहरादून में जो है ऋषिकेश के कोतवाल और मुनिकृति कोतवाल और मुनिकृति क्षेत्र के जितने भी चौक इंचार्ज हैं सभी को बुलाया था। ट्रैफिक जो हमारी TSI हैं पौड़ी के और देहरादून के और टिहरी के, इनको तीनों को बुलाया था और इनको हमने कहा था भाई कल अब सैटरडे और संडे है, क्योंकि ट्रैफिक का जैसा आपको मालूम है कि दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसी उद्देश्य से हमने जो है सबने मीटिंग की कि हम कल किसी भी तरह से ट्रैफिक जो है बाधित नहीं होने देंगे, जाम नहीं लगने देंगे, सभी लोग सड़क पर रहेंगे ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने
पुलिस और प्रशासन के साथ आज हल्द्वानी के स्पा सेंटरों में छापेमारी कर दो स्पा सेंटरों के चालान किए। इस दौरान स्पा सेंटरों में काफी अनियमितताएं देखने को मिली। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लाइट खोलो, लाइट चला ही देते हैं हम लोग। तुम यहाँ पे काम करती हो? क्या करती हो? झाड़ू पोछा नहीं लगा? यहाँ क्या हाँ, आज हमने दो स्पा सेंटरों में छापा मारा है। जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, तो जो पहला स्पा सेंटर है उसमें हमें लड़कियाँ मिली, और लड़कियाँ अगर पुरुषों के मसाज कर रही है तो वो क्या इंगित करता है, और सबसे बड़ी बात है कि पीछे खंडर में लड़कियाँ क्या कर रही हैं बैठ के, उसमें जो पीछे वाला हिस्सा है खंडर उसमें क्या कर रहा है, पीछे से दरवाजा है, दरवाजा खोल के कौन कहाँ भागा है। तो ये मुझे लग रहा आज तो हमने चेतावनी के लिए उनका चालान कटवाया है। हमारे साथ में पूरा पुलिस प्रशासन साथ में है, और यहाँ पे तो हमें आते ही देख के गाड़ी के वो देखते ही सब पूरा स्टाफ भाग गया, फरार हो गया है। और जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की के पूरे मेकअप का सामान एक बैग में दिखा है, हाँ टैबलेट्स वगैरह भी हैं, अभी उन्हें डॉक्टर से भी पूछ के उनके बारे में उसकी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत धंधा हो रहा। आज तो हम चालान करके जा रहे हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हमारी गाइडलाइन तैयार, बहुत जल्दी शासन प्रशासन को हमने अपनी गाइडलाइन भेज दी है कि स्पा सेंटरों में महिलाओं की ही मसाज करेंगे, पुरुषों का नहीं करेंगी। इसलिए आज हमने इन्हें सिर्फ इनका चालान काटा है, भविष्य में हम इन्हें जेल भेजेंगे। अंदर काम करें, ऐसा जो इस तरह का गलत काम करेंगे समाज में, इस प्रकार से गलत काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कई सारी लड़कियाँ ऐसी पहाड़ की हैं और वो इस तरह कामों में लिप्त हैं, और ज़रूरी मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये आपको पता है कि इसके जो चला रही हैं दोनों ही दिल्ली की हैं, और जो बड़ा अजगर रहता है वो तो बाहर का रहता है वो, और ये यहाँ के जो गरीब होते हैं जो ये फंसते हैं। तो इसलिए पहले तो ये सब पे लगाम लगानी पड़ेगी, ये पूरा जिस दिन हमारी गाइडलाइन, बहुत जल्दी हमारी गाइडलाइन आने वाली है। हाल ही में काशीपुर के होटल पैराडाइज में चलाए जा रहे देव व्यापार का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी के नेतृत्व में खुलासा कर दिया गया है। जांच के बाद पता चला कि होटल स्वामी वेद प्रकाश एवं उनकी पत्नी भी अपराध में संलिप्त थी। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में मुखबिर की सूचना पर रात्रि 10:30 बजे सरवनखेड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। नैनीताल में जल संस्थान का बलियत नाली में मिली भूमिगत झील से पानी लिफ्ट करने का प्रयास सफल रहा। अब इस पानी के स्टोरेज के लिए पुलिस लाइन में टैंक बनाया जाएगा। इससे कृष्णापुर, हरिपुर, तल्लीताल, पिछाड़ी बाजार, तल्लीताल थाने में पानी की आपूर्ति की जाएगी। पिछले माह 260 फीट की बोरिंग के बाद ये झील मिली थी। जल संस्थान की ओर से GGIC स्कूल में पानी की बोरिंग का काम शुरू किया गया था। जल संस्थान की ओर से बोरिंग का यह ट्रायल सफल रहा जिसमें करीब 260 फीट पर पानी मिला है। अब आगे 600 फीट गहरी ड्रिलिंग होने की तैयारी है। अब करीब 1.5 करोड़ के बजट से मेन बोरिंग का काम शुरू किया जाएगा। इससे नैनी झील पर पड़ने वाला जल आपूर्ति का दबाव कम होगा। हल्द्वानी में पति पत्नी के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि पति रिजवान ने नाराज होकर ब्लेड से खुद का गला रेत दिया। गंभीर हालत में घायल पति को परिजन ने सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपने तो गला क्यों काटा? मेरे सास ने, मेरे ससुराल ने 25-30 आदमी लगा दिए। ससुराल ने लगाए 25-30 आदमी? ससुराल और मेरी सास ने। वो है जो हेलमेटों में स्कूटियों से मेरा अगर 20 बहुत। नाम क्या है? नाम इनका, मेरी सास का। हाँ, मेरी सास का थेरुन नीचा। थेरुन नीचा। और कहाँ रहते हो तुम? मेरी बहू का हीना, कांडा बादली। कांडा बादली किस जगह? नगर पालिका के पास। खास नहीं पहुँच जाए मेरी लाश, अगर यहाँ से हट कर चले गई तो ये काट देंगे मेरे सर। इन्हें बोटी सही है मेरी, इसलिए काटा यार। 11 बजे आए थे रात के, और रात के 2 बजे मैं स्थानीय मस्जिद पर चले आया था, इनसे चले नहीं जा रहा था। दूसरे दिन को मैंने भर्ती बेस्ट में करा दिया, बेड वालों ने फिर सुशीला को लेकर, सुशीला तो बैठ देने। आरोप जो है कि मतलब आपने 2-3 दिन से कमरे बंद करके था, ये आरोप सही जी नहीं? गलत है, ये बैट्समैन पे है। आप गवाही ले लें, बैट्समैन की जांचें ले लें, कुछ भी ले लें, वहाँ जाकर मालूम कर लो। गार्जियन ये मैं बेटी है मेरी, खुदा नहीं है, और मेरा बेटा और ये दूसरे नहीं है, समझ गए? मुझे
मुझे अपनी जान दे दिया, चाहे गर्दन पे छुरी चढ़ जाए। हमारा भाई जो है बीवी के साथ परसों आया था, टांडा पाटली के रहने वाले हैं हम, और जो इसकी ससुराल है वो भी टांडे की है, हमारे इसके साथ ससुराली हल्द्वानी रहते हैं। ये यहाँ पर आया था, हाँ, तो इसकी बीवी बतला रही है, बोला कि इनकी जो तबीयत ख़राब थी, अब ये बतला रही इनकी बीवी, बोला कि यहाँ आ गए इनके जो है दिमागी हालात ख़राब हो गए। दिमागी हालात तो वो बिल्कुल सही है, घर से सही आया, बिल्कुल चलता फिरता। ये हमारा छोटा भाई है तेरा, आज से 3 दिन पहले इनकी बीवी इनको घर से लेके आई है। यहाँ आगे इन्होंने जो भी जाँचें वगैरह कराई है, 3 दिन से इनके ससुराल वालों ने इन्हें कैद कर रखा है। अब आगे का क्या मामला है, ससुराल वालों का ये मामला, हमें इससे बेखबर है। हमें जो ये मामला हुआ है, हम इसकी बात को वीडियो पर देखते और हम अभी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं महबूब आलम पार्षद, वार्ड नंबर 23, जिस इलाके की ये घटना है उस समय हम लोग वहाँ मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, पिताजी भी हमारे मौजूद थे। निवास स्थान हुआ उसी जगह पर जिस जगह की घटना है। ये नीचे हमारे घर से करीब 20 कदम नीचे एक कन्फेक्शनरी की दुकान है, ये उधर से आते हैं और उस कन्फेक्शनरी की दुकान से एक ब्लेड खरीदते हैं 3 रुपये का। उस दुकान वाले को पैसे भी नहीं दिए, वो चिल्लाता रहता है पैसे मांगने के लिए। लाइव घटना हमारी देखी हुई है। वहाँ से करीब दुकान से ऊपर को आते आते करीब एक मेडिकल है, मेडिकल के पास पहुंचकर इन्होंने ब्लेड को छीला, उसमें से निकाला ब्लेड, और निकालने के बाद सीधे अपनी गर्दन पर 3-4 वार किए। इतनी देर में हम भाग करके पहुंचे, वहाँ हमारे एक निगम के कर्मचारी हैं, डोर टू डोर गाड़ी वाले, उन्होंने जाकर एकदम हाथ पकड़ा, उनके हाथ में ब्लेड भी लगा है मौजूद। स्वयं इन्होंने अपने आप को जो है सुसाइड करने की कोशिश की। वहाँ मौजूद मौके पर पहुँचे हैं, सुसाइड के तो इनके पारिवारिक कला भी हो सकती है, कई लोगों द्वारा बताया गया कि नशे के भी पूरा आदि हैं। काशीपुर कुंडेश्वरी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा काशीपुर के चेयरमैन गुरनाम सिंह कामा पर तलवार एवं तमंचे से हुए हमले को लेकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कोतवाल मनोज रतूरी को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करने एवं दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कुंडेश्वरी क्षेत्र में अभी 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था लैंड डिस्प्यूट को लेकर, उसमें हमने दोनों पक्षों से मुकदमा लिखा हुआ है, दोनों मुकदमों की विवेचना की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सरकार के आदेश के बाद अपात्र राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। लोहाघाट ब्लॉक FGI चंद्रकला चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक 60 से 70 अपात्र लोगों ने अपने BPL राशन कार्ड विभाग में जमा करा दिए हैं और अपात्र राशन कार्ड धारकों को 31 मई तक अपने राशन कार्ड विभाग में जमा करने का समय दिया गया है। उसके बाद विभाग द्वारा घर घर जाकर राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा और अपात्र लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। वर्तमान में आदेश दिए गए हैं कि जो अंत्योदय और PHS परिवार जो मानकों से ऊपर चले गए हैं, जिसमें PHS के लिए मानक 15,000 मासिक से ऊपर के कार्डों को स्वतः जमा करने के लिए आदेश दिया गया है। 31 मई तक कार्ड धारक स्वतः यहां कार्यालय में या क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं और उसके पश्चात 1 जून से सदन चेकिंग अभियान के बाद उन कार्डों में कार्ड धारकों पर FIR की जाएगी और पुराने लिए गए राशन की भी वसूली की जाएगी। इस तरह के आदेश जो दिए गए हैं उसके एवज में अभी तक कार्ड धारकों द्वारा लगातार कार्ड जमा किए जा रहे हैं। 10 तारीख से अभी तक हमारे पास 10 मार्च 22 को 5 कार्ड, 11/5/22 को 12 कार्ड, 13/5/22 को 8 कार्ड और 17/5/22 को 20 कार्ड, 18/5/22 को 13 कार्ड जमा हुए हैं तथा आज भी कार्ड
10 या 11 कार्ड आज की डेट पे भी आ गए हमारे पास, तो कार्ड धारक वर्तमान में तो स्वतः ही जमा कर रहे हैं। अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज सुनोली में चौकी पुलिस ताकुला द्वारा छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा, बच्चों व महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की जानकारी तथा उनसे बचाव, एटीएम फ्रॉड के अलावा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी। चौकी प्रभारी हरिराम ने बताया कि शिविर में नशा उन्मूलन तथा समाज में नशे के कारण होने वाले अपराधों की जानकारी भी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। टनकपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनिहा गोट में महिला हेल्पलाइन एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घरेलू हिंसा तथा मताधिकार के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। छात्राओं के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो हमारे चुनाव हैं उसमें मतदान के लिए कैसे हमको मतदान करना है और मतदान की क्या अहमियत है, इससे मतलब मैंने जो नुक्कड़ नाटक किया गया था और उसके माध्यम से अपील की गई थी कि सभी लोग मतदान करने जरूर जाएं। तो हमारी भी इस क्षेत्र के लोगों से अपील है कि 31 तारीख को होने वाले इस चुनाव में सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल। धन्यवाद।